5 फरवरी 2024 से लेकर 11 फरवरी 2024 तक का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह कुछ राशियों के सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे और उनके द्वारा किए गए प्रयास परिश्रम की अपेक्षा से अधिक फल देंगे। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों का भविष्य फल इस सप्ताह का। मेष राशि, स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय अवधि में आप प्राणायाम करके अपनी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में अपनी ऊर्जा को इस सप्ताह बहुत सारे कामों में लगाने की बजाय केवल उन कामों में लगाएं जो आपके लिए जरूरी है। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में 12वें घर में अशुभ राहु मौजूद होने के कारण आपको धन हानि होने की आशंका है, इसलिए हर प्रकार के लेन देन से जुड़े मामलों में जितना संभव हो खुद को सतर्क रखें, क्योंकि ऐसा करके आप कई विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको शुरुआत से ही अपने माता पिता की सेहत के प्रति सजगता बरतने की जरूरत है। उपाय में प्रतिदिन 21 बार ओम भूमाय नमः मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि, परिवार में आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी। आपको आर्थिक वृद्धि होगी जिससे आपको बहुत अच्छा मुनाफा भी होगा। इस सप्ताह वो छात्र जो कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे इनकी तो बौद्धिक क्षमता बेहतर हो सकेगी, बाकी उसके अलावा अन्य छात्रों को अपनी क्षमता में गिरावट के साथ साथ कई हानिकारक परिणाम भुगतने की नौबत तक आ सकती है। ऐसे में आप महसूस करेंगे कि कई लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपका मन उदास हो सकता है। यह सप्ताह उन दिनों में से एक होगा जब आपके पास करियर में आगे बढ़ने के लिए काम की कमी तो नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके आप अपनी इच्छानुसार कार्यस्थल पर अपने विचार और योजना रखने में सफल नहीं हो पाएंगे। उपाय में बेसन के लड्डू किसी धार्मिक स्थान पर वितरित करें। मिथुन राशि, किसी भी चीज से अपना मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। आपको इस अवधि के दौरान ऐसे में जितना मुमकिन हो पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए उनकी बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है। इस सप्ताह चंद्र राशि से बृहस्पति एकादश भाव में स्थित होने के कारण आपकी कार्य क्षमता और आपके काम की गुणवत्ता देखकर आपके वरिष्ठ आपसे प्रभावित होंगे और संभव है कि वो किसी मीटिंग में आपकी दूसरों के सामने खुलकर प्रशंसा भी करें। उपाय में प्रतिदिन 41 बार ओम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें। कर्क राशि, आपकी सेहत बहुत ही अच्छी रहेगी। परिवार के लोगों में आपको एक अलग ही खुशी दिखाई देगी जिससे आपको भी लाभ होंगे। इस सप्ताह भाई बहनों से मिलने वाली सहायता आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। हालांकि इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने अहम को दूर करते हुए अपनी शिक्षा के प्रति बेहतर प्रदर्शन देने के लिए उनकी मदद लें। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 10वें घर में स्थित होने के कारण व्यापारियों को कार्यक्षेत्र के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ सकता है। उपाय में प्रतिदिन 11 बार ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। सिंह राशि, आर्थिक तंगी से बच कर रहे। परिवार में दूसरे सदस्यों के बीच आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप इस दौरान निवेश या नया काम शुरू करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होना संभव है। इस सप्ताह ज्यादातर छात्र अपनी निजी समस्याओं के चलते अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर नहीं लगा सकेंगे जिसका नकारात्मक प्रभाव सीधा उनकी शिक्षा पर पड़ सकता है। ऐसे में हर स्थिति में खुद को शांत रखते हुए योग और ध्यान का सहारा लें। उपाय में रविवार के दिन वृद्ध व्यक्तियों को भोजन दान करें और उनका आशीर्वाद लें। कन्या राशि, चंद्र राशि से प्रथम भाव में केतु के मौजूद होने के कारण जो जातक जिम जाते हैं उन्हें इस सप्ताह जरूरत से ज्यादा वजन उठाने से बचना चाहिए, नहीं तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। इसके अतिरिक्त आपके स्वास्थ्य के लिहाज से समय विशेष उत्तम रहने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है। इस सप्ताह चंद्र राशि से सप्तम भाव में राहु उपस्थित होने के कारण ग्रह नक्षत्रों की चाल दर्शा रही है कि अगर आप दूसरों की बात मानकर कोई भी निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान तकरीबन सुनिश्चित ही है, इसलिए दूसरों के कहने पर अपने पैसों को कहीं भी लगाने से बचे और अपनी समझदारी से काम लें। उपाय में प्रतिदिन प्राचीन पाठ विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें। तुला राशि, इस हफ्ते कुछ अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपकी राशि के जातकों को इस दौरान कई अवसरों का उचित उपयोग करने के लिए अपने जीवन साथी के परिवार या पैतृक संपत्ति से कुछ अचानक धन लाभ मिल सकता है। यह सप्ताह यूं तो आपके पारिवारिक जीवन में शांति को लेकर आएगा, परंतु न चाहते हुए भी संभव है कि आपसे घर की कोई वस्तु टूट जाए या आप उसको खो दे जिससे घर के सदस्य आपसे थोड़े नाराज हो सकते हैं। उपाय में प्रतिदिन 21 बार ओम भार्गवाय नमः मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि, भाग्यशाली रहेगा यह सप्ताह आपके लिए जिससे आपको बहुत ही लाभ होंगे।
कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू के लिहाज से यह सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कई अवसर मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए इस बारे में उचित रणनीति और योजना बनाकर ही इसका उपयोग करने का प्रयास करें, ताकि अगर भविष्य में आपको अचानक वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़े तो आप उनका सामना करने के लिए सक्षम रहें। उपाय में शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। धनुराशि, कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ने के साथ ही आप इस सप्ताह मानसिक उथल पुथल और दिक्कत को महसूस करेंगे, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य में भी चिड़चिड़ापन दिखाई देगा। इस सप्ताह बृहस्पति के चंद्र राशि से पंचम भाव में स्थित होने के कारण आपको किसी निवेश से उतना लाभ नहीं होगा जितना आपने सोचा था, परंतु ये लाभ आपको काफी हद तक संतुष्टि देगा और आप इसकी मदद से अपने व्यापार में निवेश करने का फैसला ले सकेंगे, जिससे अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो आप धन को जल्द ही दोगुना भी कर सकते हैं। उपाय में गुरुवार के दिन बीमार व्यक्तियों को भोजन का दान करें। मकर राशि, इस सप्ताह आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे, बावजूद इसके आप आने वाले मानसिक तनाव को खुद पर हावी होने ना दें, क्योंकि ऐसा करना किसी भी शारीरिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में भी अनुशासन का पालन करें और स्वस्थ रहें। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि दूसरे भाव में स्थित होने के कारण आपको बहुत से निवेश के लिए कई नए नए और आकर्षित अवसर मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उपाय में प्रतिदिन 44 बार ओम मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि, आपको पुरानी बीमारियों से मुक्ति मिलने के योग है, साथ ही आपका जीवन भी इस दौरान ऊर्जा से भरपूर रहे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह औसत दर्जे से बेहतर परिणाम लेकर आने वाला साबित हो सकेगा। इसके अलावा आपको समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने और धन को बढ़ाने के लिए इस समय कई शानदार अवसर प्रदान होने के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उपाय में शनिवार के दिन विकलांग व्यक्तियों को दही चावल का दान करें। मीन राशि, इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में शनि 12वें घर में मौजूद होने के कारण आपके लिए काम और आराम के बीच में सही संतुलन स्थापित करना बेहद आवश्यक होगा। ऐसे में यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो इस समय आप उसे पूरी तरह निजात पाने में सफल रहेंगे, क्योंकि ग्रहों की अनुकूल दृष्टि आपको कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने में सहायता करेगी और इस दौरान आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मानसिक रूप से भी आप संतुलित होंगे। इस दौरान आपकी खाने की आदतें और दैनिक जीवन में भी सुधार होगा। उपाय में प्रतिदिन 21 बार ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। धन्यवाद।